चुनाव, हाँ, अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा, हेना साहब चुनाव लड़ रही हैं, हमने क्यों ना पूछा, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ी है, मैनेजर चौधरी कहाँ वोट करेंगे? हाँ अभी हमारे बापू ना बतलाई हो, हमार जामोन करी तहां करे, हां ये मन की बात है, जहां मन करेगा लोग वहां मतदान है, हां जामोन करी तहां कर दे, हां अब उधर बिहारी भाई के हम वोट दानी आज ले तन पूछबो ना के ले, ऐसा नहीं ना है कि चौधरी जी आप भी हैं, वो चौधरी वहीं कुछ भी हो के वहां जाएगा जाति बचाना कर ले, हां जे जज बचा पाप करे लोग कहो कि शाहबुद्दीन अपराधी रहला, लोग को है तो कहो, हां लेकिन अपना दिल से माने ठीक रहो, हाँ। गरीब के ना कुछ नहीं। अच्छा आपके गांव में कल आग लगा था, नेता लोग आए थे? जी जी आया था, कौन कौन नेता है? ये क्या बोल रहे हैं, जीवन यादव और बिहारी चौधरी मुखिया में, ये जीवन यादव, हाँ। अच्छा लोग कह रहे हैं कि जीवन यादव को भी चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ा तो बहुत बढ़िया, और बिहारी चौधरी से मजबूत रहेंगे, अब कैसे बदले भगवान जानता है, एक ही नेता आया था इंस्टेंट पे, कौन आया? ये अपने जीवन यादव, तबे आई रहूँ, पूछा कोई से पूछ ले, जब आग लग रही है तो सिर्फ एक नेता जीवन यादव। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान, संपर्क नंबर 8399-43151। सिवान लोकसभा क्षेत्र के खालिसपुर गांव में है और देखिए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पिछले 5 सालों में विकास कार्य क्या हुआ है, क्योंकि देखिए लगातार न्यूज इंडिया तक का खास कार्यक्रम जो है विकास की बात जनता के साथ, इसी के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं विकास कार्य क्या कुछ हुआ है, बातचीत करेंगे। चचा क्या नाम हुआ आपका? मैनेजर चौधरी। मैनेजर चौधरी, थोड़ा सा पीछे होइए, ये बताइए चौधरी जी कि चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव, हाँ, अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा, हेना साहब चुनाव लड़ रही हैं, हाँ, हमने क्यों ना पूछा, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ी है, मैनेजर चौधरी कहाँ वोट करेंगे? हाँ अभी हमारे बापू ना बतलाई हो, हाँ, हमारे जामोन करी तहां करे, हाँ, हाँ। अच्छा मैनेजर जी ये बताइए कि पिछले 5 सालों में विकास क्या हुआ है? विकास तो हम घूम ले फिर ले हो ना कुछ जानत हो ये नहीं कि हमरा के देखो चौपो कॉल लेके मिलो आज ले, हाँ, हाँ। अच्छा ये बताइए कि सांसद कौन है अभी? सांसद हाँ है ना बड़े अजय सिंह का, अजय सिंह, अजय सिंह उनकी पत्नी है, हाँ, हाँ, हाँ। मुलाकात हुई है कभी, देखे हैं उनकी? ना कभी नहीं। अच्छा उससे ना कर रहे तो देखे कहा, आती ही नहीं है। अच्छा उससे पहले ओम प्रकाश यादव थे, क्या विकास किया उन्होंने? नहीं देख ले, उसके पहले शहाबुद्दीन थे, हाँ वो बेचारू आओ तर रहे, हाँ हाँ कब कब घूर के जइन मौका मिली था, हाँ हाँ वो विकास करते थे ना। अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होगा, क्या मुद्दा होगा वोट करने का? आप कह रहे कि हमारे पिताजी भी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ वोट करेंगे, हाँ हम गलती थोड़े बोले, ये मन की बात है, जहाँ मन करेगा लोग वहाँ मतदान है, जहाँ मन करी धक्को दे, अब उधर बिहारी भाई के हम वोट दानी आज ले तन पूछबो ना के ले, ऐसा नहीं ना है कि चौधरी जी आप भी हैं, वो चौधरी वहीं कुछ भी हो के वहाँ जाएगा, जाति बचाना कर ले, हाँ जे जज बात जज रहो, हाँ बस ठीक बाबा की भाई हो, हाँ इनका ओर तो हम जरूर रहे, हाँ इनका तो मदद जरूर कर जितना सके, हाँ तो ये खड़ा होकर जितना हमारे मदद हो बाल बच्चा बा करी। अच्छा ये बताइए कि RJD से चुनाव लड़ते रहन अवध बिहारी चौधरी, एकरा पहले शहाबुद्दीन के पत्नी लड़ ली, तीन बार हार गई थी, ये पारी फिर चुनाव लड़ते रहे, ठीक है बा लड़स, अब एगो हम वोटो देव केकरा केकरा के देव केकरा के ना देव, हमें तो सोचे पर यही में दलाल लो बाल लो तो कहते हम सबका के दिवा देव, हाँ आ खा लेता लो, आ जे वोट देता ओकरे के चाहो ने के मिलो पैसा खा लेता लो, हाँ पैसा ना खा लो नहीं दे दो दो करता लो, हाँ पैसा दिया था बिगा था भाई हम जाए पीछे 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 नारा लगाई लो, हाँ नारा लगाए के दिन हो सके था कि चाके दुकान में बैठ जाइलो, हाँ उन्हें से आइलो तो फिर साथ में चल जाइलो, हाँ हम कौन गलती बोलते नहीं, हाँ अच्छा शहाबुद्दीन का विकास के लिए बहुत बढ़िया विकास के लिए गरीब खातिर अच्छा रह, हाँ अभी जानते नहीं जी गरीब के ऊ ना सटा उनका पार्टी भले सटा, हाँ RJD, हाँ लेकिन
ठीक रहा दू आदमी के मुँह से हमारा सुनाई दस आदमी के मुँह से सुना ठीके बारे वो पापी ना रहन पापी उनको साथ संगत रहे उनका नाम पर पाप करे लोग कहो कि शहाबुद्दीन अपराधी रहल लोग को है देखा हो लेकिन अपना दिल से मने ठीक रहल गरीब के ना सकता कभी ना, ना। अच्छा ए पारी चुनाव में का बदलाव हुई अब तो हम ना कहे भगवान केकरा के दिहन केकरा के लिहन कैसे कहे अच्छा एगो सांसद कैसन होके के चाहिए बढ़िया होके के चाहिए कि सब पब्लिक अमीर गरीब दुखिया सुखिया सबके देखे जे ज्यादा तकनीक में बाउक रखे तनि देखभाल करे कुछ मदद करे एक खातिर में सबके श्रद्धा होला वोट देवे जाला जे हमरा के मदद करी आ वोट हो गए अपना अपना घरे बैठ गए अपन पाकिट भर लो बेटा दमाद सब हित नाद के भर लो आ जे वोटवा देलो पूछबो न करेगा हाँ चलिए तो आपसे और बात करेंगे रुकिएगा थोड़ा सा और लोगों से बात कर लेते हैं क्या नाम हुआ आपका मोहन यादव यादव जी ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होगा ये तो भैया ऊपर वाला जानेगा कि किसको चुनाव होएगा किसको नहीं होगा कहाँ वोट जाएगा ये तो खुदरत का दिन है कहाँ जाएगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं आप कहाँ करेंगे वोट वो तो दिल की बात है हाँ चुनाव के दिन ही दिल खोलेगा जहाँ मन करेगा वहाँ वोट जाएगा जी अच्छा एक बात बताइए कि अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में है विधायक भी रहे क्या विकास किए हैं विधायक रह के वो तो हम लोग का सामने लगता है कि कौन आदमी विधायक है अवध बिहारी चौधरी आदमी तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो हम लोग का सामने ही लग रहा है हाँ। किसके बताएंगे किसको नहीं बताएंगे हम लोग हाँ। बस यही तो सवाल है हम लोग गरीब आदमी को पूछते क्यों अवध बिहारी चौधरी पूछते हैं हम पूछ रहे हैं चले गोयला पर मैंने कुछ मदद कोयले बाड़े हाँ ये बात बात चलिए ये बताइए कि क्या नाम हुआ जी आपका ईद मोहम्मद ये बताइए ईद मोहम्मद जी थोड़ा सा इधर हो जाइए कैमरे में अच्छे लगिएगा आप भी ये बताइए कि क्या हुआ है विकास 5 साल में विकास क्या हुआ है अभी तो हम लोग के गांव में कोई विकास नहीं हुआ है कुछ विकास नहीं हुआ नहीं नहीं अच्छा सांसद को जानते हैं जी कौन है कविता सिंह क्या विकास की है वो पूछू ना उनके द्वारा पूछू नहीं अच्छा आपके गाँव में कल आग लगा था नेता लोग आया था जी जी आया था कौन कौन नेता है ये क्या बोल रहे जीवन यादव और बिहारी चौधरी मुखिया में ये अच्छा पहले जीवन यादव हाँ। अच्छा लोग कह रहे हैं कि जीवन यादव को भी चुनाव लड़ना चाहिए लड़त तो बहुत बढ़िया और बिहारी चौधरी से मजबूत रहेंगे अब कैसे बतलाइए भगवान जानता रहे अपन अपन कर्तव्य जेकरे भाग में जौन लिखल हो गए लेकिन अपन अपन लड़ाई ले लो दो आदमी तो लड़ते ही है हाँ। कोई पटकता है या कोई पटकता कोई है। कोई पटकाता है हाँ, ये चुनाव है कोई जीतेगा और कोई पब्लिक का जो सुख देगा हाँ। दिया होगा हाँ। वो जरूर जीतेगा हाँ। अच्छा शहाबुद्दीन को लोग कहता है कि काम किए थे गरीबों के बीच में जाते थे मसीहा लोग कहता है कुछ लोग अपराधी कहता है तो उनकी पत्नी का है चुनाव हार जाती है अब ये हम कैसे उनको कर्तव्य खराब बा कर्तव्य खराब हार जाता रहे क्या नाम हुआ आपका इमामुद्दीन अच्छा ये बताइए इमामुद्दीन साहब कि इस बार चुनाव में क्या होगा थोड़ा सा और आगे आ जाइए अभी चुनाव के बस के बाद की का हो चुनाव के कब कौन हाल के जानता अपने दिल में बात वो बात ना कोई बतावे अपने दिल के बात कोई बतौले बा कोई बता ले बा हम तो बतला देंगे क्या बता दी बा अच्छा ये बताइए कि कविता सिंह को जानते हैं कविता सिंह का हम भाई हमने किस चीन लिया हैना साहब को जानते हैं हैना साहब को जानते हैं और बिहारी चौधरी को जानते हैं बिहारी चौधरी जानते हैं ये लोग चुनावी मैदान में है कविता सिंह का तो टिकट कट गया है हाँ मैंने इनका लोग हम जानते नहीं गाँव का हॉल से हम चिन्ह थे लेकिन कोई हमने कुछ नहीं कहा कोई हम ये कर मजदूरी करे के बाद खाए के बाद पलानी हमें जड़ल गई नहीं कुछ ना भई अच्छा इस बार चुनाव में क्या होगा ये बार चुनाव में की जीती है की हारी अब हमारा मालूम नहीं है चलिए थोड़ा सा रुकिएगा और बातचीत करेंगे बैठिए आप ये बताइए कि क्या विकास कार्य हुए हैं आपके गांव में 5 सालों में विकास कार्य क्या हुआ है तो आप भी सिवान से अलग थोड़े आप भी सिवान में आपको भी दिख रहा है क्या हुआ फिलहाल हम तो आए थे आगजनी देखने के लिए जो कि नुकसान हुआ है आप यहाँ आए हैं तो इस मुझे अनाज जो है इसके लिए काफ़ी दुख हुआ और यहाँ कोई नेता पहुँच नहीं पाया अवध बिहारी चौधरी आए थे लोग कह रहे हैं सब हम बता रहे हैं आग बुत जल कौ बजे आई रहूँ
8 बजे रात के नू आग आग को बजे लगा रहो है सुनो झूठ साज ना बोलेगे सच बोलेगे ठीक बा इंस्टेंट पर एक नेता सिर्फ कौन एक ही नेता आया था इंस्टेंट पे कौन ये अपने जीवन यादव तबे आई रोहन पूछा कोई से पूछ लो जब आग लग रही है तो सिर्फ एक नेता जीवन यादव और दूसरी बात कि हिना साहब ने दो आदमी अपने भेजे थे तो वो लोग उनसे बात किया तो बात करने के बाद दो आदमी आए थे किस से पूछ सकते हैं परवेज आलम देख ले रहो लनु सही बोलते हैं नो तो हिना साहब की तरफ से दो आदमी परवेज आलम उनके साथ एक आदमी कोई रहो नाम नहीं की जाना क्यों से पूछो बता दी। अच्छा ये बताइए कि चलिए बातचीत कर लेते थोड़ा सा चुनाव पे चुनावी माहौल कैसा है इस बार क्या होने वाला है। देखिए आदमी तो पहले से अनुमान कुछ लगाता है रिजल्ट कुछ आता है हम तो ईवीएम पे ही सवाल उठाते हैं ईवीएम से ही नहीं। अच्छा अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में है हिना साहब हैं विजय लक्ष्मी देवी हैं रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी क्या होगा इस बार चुनाव वोट कहाँ जाएगा। अवध बिहारी हैं और हिना साहब हैं हो सकता है कि जीवन यादव भी आए हो सकता है लोगों की चाहत है सब लोग तो वही कहता है तो अगर जीवन यादव आओ तो अवध बिहारी तो हवा में उड़ जाए हवा में उड़ जाए। अच्छा ये कह रहे हैं कि जीवन यादव हो रहे हैं सही बात कहते हैं जीवन यादव आएंगे तो अवध बिहारी हवा में उड़ जाएंगे हवा में उड़ जाएंगे। हाँ देखिए बता रहे हैं अवध बिहारी चौधरी को तो टिकट भी नहीं मिला था 15 में अब 20 15 में उनको वोट मिला था 28,000 120 गांव पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरा टाउन नगर परिषद 28,000 और जीवन यादव ने सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था वो भी खुद नहीं आए थे तो 25,000 मिला था ना तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है जीवन यादव के सामने तो अवध बिहारी कुछ नहीं कहूँ। और दूसरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा पूरा लंबा करके लीजिए देखिए इंजमामुल हक नाम है मुसलमान है तो लोग यही उम्मीद करेंगे कि कोई मुसलमान की बड़ाई करना लेकिन हम सच बात बोलेंगे जो फैक्ट है सो फैक्ट है। हाँ कुछ नहीं हुआ है कविता सिंह कहाँ विकास की सांसद कौन है सिवा अभी तो कविता सिंह है। कविता सिंह मुलाकात कभी हुई थी उनसे? नहीं मुलाकात नहीं चुनाव में आई थी क्या चुनाव में आई थी। अच्छा ये बताइए कि इस बार क्या होगा चुनाव में अब इस बार का कौन कौन विकास का मुद्दा है। अवध बिहारी चौधरी जो आपके विधायक हैं वो चुनावी मैदान में है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जो है विजय लक्ष्मी देवी वो जेडीयू से हैं हिना साहब जो है निर्दलीय हैं ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं जीवन यादव चुनाव लड़ सकते हैं लकड़ी की जनता किसे चुनेंगे और इधर आ जाइए रोड को छोड़ दीजिए तो अभी हम क्या बता सकते हैं अभी तो कोई बात। अच्छा लोग आ रहे हैं नेता लोग आ रहे हैं यहाँ अभी नहीं आ रहे हैं क्या विकास कार्य हुए हैं 5 सालों कुछ भी नहीं हुआ है। अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में है क्या होगा क्या होगा हम तो बीजेपी को वोट देंगे मोदी जी को। अच्छा पिछली बार भी मोदी जी को ही देख करके कविता सिंह को वोट दिया तो मोदी जी के नाम पर दिए थे हम लोग तो क्या कुछ विकास विकास हुआ काम कुछ हुआ? भी विकास नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है इस बार तो टिकट ही कट गया उनका। हाँ तो कटना पाका था उनको टिकट भी मिल जाए तो हम निर्दलीय को वोट देते लोग। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी अभी तो हमको पता नहीं है उनके बारे में निर्दलीय है कि क्या है। हिना साहब निर्दलीय हैं ओम प्रकाश यादव निर्दलीय हैं जीवन यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं इस तरह की चर्चा है प्रकाश मणि तिवारी ये तमाम लोग निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ तो होगा जिसका मन वो भी रख सकते हम भी लड़ सकते हैं लड़िएगा क्यों अभी हमको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये बताइए कि 5 सालों में विकास कार्य कुछ हुए हैं आपके? नहीं कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना बढ़िया सड़क मिला है आपको सोलर लाइट लगा हुआ है ये तो प्रखंड लेवल से बना हुआ है सड़क है बहुत कोशिश करने के बाद बाजार के आम जनता के प्रखंड लेवल से स्तर से बना है हमारे विधायक एमपी साहब ना लकड़ी आते हैं ना एक बार इलेक्शन का टाइम आएगा चुनावी माहौल है अब लगातार लोग आएंगे वोट कहाँ जाएगा यहाँ के लोगों का युवा के नाम पर जाएगा वोट विकास के नाम पर जाएगा। वादा तो कई सारे लोग करते हैं ना कि हम ये कर देंगे इस तरह का विकास कार्य करेंगे लेकिन फिर होता क्या है? अब तो जनप्रतिनिधि आते रहते हैं अपना अपना अवध बिहारी चौधरी हिना साहब प्रकाश मणि तिवारी जीवन यादव अवध बिहारी चौधरी ये तमाम लोग चुनावी मैदान में है कहाँ जाएगा वोट युवाओं का
युवाओं का विकास के नाम पर वोट जाएगा, विकास के नाम पे जाएगा। चलिए बातचीत करें, क्या नाम हुआ चाचा आपका? गणेश प्रसाद। प्रसाद जी ये बताइए कि विकास कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। सांसद कौन है सिवान की? कविता सिंह है। मुलाकात हुई है कभी? एक बार भी नहीं। चुनाव में भी नहीं आई थी? नहीं चुनाव में आई थी जब इलेक्शन था उस टाइम आई, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं आई। इस बार क्या होगा चुनाव में, कहाँ जाएगा वोट आप लोगों का? हम लोगों जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा जेडीयू के खाते में फिर टिकट गया है, विजय लक्ष्मी देवी उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है कि पिछली बार जिस तरह से आप लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया और विकास नहीं हो पाया, इस बार भी वैसे ही कुछ होगा? वैसे ही होगा। वैसे ही होगा, विकास होगा कि नहीं होगा? होगा, विकास होगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बताइए आप कहाँ हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? शंभू प्रसाद। शंभू प्रसाद। प्रसाद जी ये बताइए कि विकास कुछ हुआ है 5 सालों में? अब होते रहता है। आपके यहाँ क्या दिख रहा है, सांसद ने क्या विकास कार्य करा है? यहाँ तो कुछ नहीं कहीं, तो जब से जीत के गई है उसके बाद दोबारा तो चेहरा दिखी नहीं। चुनाव में आई थी एक बार, उसके बाद नहीं दिखी। फोटो वोटो तस्वीर वस्वीर तो देखते होंगे ना न्यूज पे? हाँ ये तो देखते हैं, बाकी कोई विकास हुआ नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा इस बार क्या होगा, कई सारे लोग प्रत्याशी हैं, हिना साहब हैं, ओम प्रकाश यादव प्रत्याशी हैं, जीवन यादव हो सकते हैं, अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कई सारे लोग हैं ऐसे, आकाशमणि तिवारी हैं, क्या होगा? जो विकास की बात करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो विकास की बात करेगा। यहाँ हॉस्पिटल है वो जाइएगा तो बकरी उकरी बना होगा, करीब करीब ये गुलाम सरवर साहब थे तो उन्होंने बनवाया था, उसके बाद आज तक कोई डॉक्टर नहीं गया, कोई नहीं गया। नहीं, नहीं। डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ लगती है क्या? कुछ नहीं, साल डेढ़ साल तक थे उसके बाद बंद बंद हो गया, अब बकरी बनाती है। पीएससी है क्या? पीएससी है। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि क्या होगा इस बार चुनाव में? इस पर चुनाव में वही होगा, देखिए कोई भी पार्टियां काम नहीं कर रही है बढ़िया से। पहले हमारे सांसद कविता सिंह है अभी, और अभी पता नहीं कौन कौन लड़ रहे हैं, लेकिन उनका अभी। चलिए आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, सिवान लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे अवध बिहारी चौधरी जो सदर विधायक है वो चुनावी मैदान में है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो सिवान लोकसभा सीट जो है जेडीयू के खाते में गया है, तो विजय लक्ष्मी देवी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। हेना साहब पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं सिवान लोकसभा सीट से, राजद के टिकट पे 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, 4थी बार वो चुनावी मैदान में है। ओम प्रकाश यादव 2 बार सांसद रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। जीवन यादव की चर्चा हो रही है, प्रकाश मणि तिवारी जो अपना नौकरी छोड़ अमेरिका से अपने गाँव लौटे हैं वो भी चुनावी मैदान में। ये तमाम लोग हैं, वोट कहाँ जाएगा? देखिए जितने लोग हैं अगर वो लोग आते हैं यहाँ पे बाजार पे, हम लोग जो लकड़ी बाजार है उनसे मुद्दा हम लोग रखेंगे विकास का। एक हमारा हॉस्पिटल है इधर, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ये आपके सरकारी स्कूल के पीछे है, ठीक है, अगर उनको चालू करवाने का अगर वो लोग काम करते हैं, जो शर्तें हमारे मानेंगे, जो भी सांसद मेरे शर्त मानेंगे। अच्छा ये बताइए कि प्रत्याशी लोगों का दौरा हो रहा है कि नहीं? नहीं अभी तो कोई प्रत्याशी का दौरा नहीं हुआ है। अच्छा हर साल चुनाव में सिवान का सिसवन ढाला लोग बनवाना चाहते हैं, इस बार लोग बनवाएंगे क्या? अब उधर का हम नहीं जानते, हम तो अपने यहाँ एरिया का विकास के बारे में सोचेंगे। हाँ हाँ। कि सारा विकास हो हमारे यहाँ। हाँ। हालांकि इससे पहले कविता सिंह थी तो कोई विकास नहीं हुआ है, एक बार दर्शन हुआ है, अब आगे देखते हैं जो लोग आ रहे हैं उनसे हम अपना मुद्दा रखेंगे और जो काम करने के लिए तैयार हैं उनको वोट दिया जाएगा। चलिए तो और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या विकास कार्य कुछ हुए हैं 5 सालों में? जी नहीं, कविता सिंह आई थी वोट मांगने, उसके बाद से अब तक दिखाई नहीं दिया। चुनाव में इस बार अभी देखिए कि माहौल कुछ लग रहा है, कभी जैसे किसी का कभी यहाँ आरजेडी वाले आ रहे हैं, कभी आरजेडी से अभी अवध बिहारी चौधरी आए हैं, तो लेकिन आपके, उनका आपके, आपके तो वो विधायक भी हैं, तो फिर कहाँ जाएगा? ठीक है विधायक हैं लेकिन उनको आना चाहिए तो बाजार में सारे जगहों पर सभी का आदमियों से मुलाकात करना चाहिए। हाँ। सारे जगह, लेकिन कुछ ऐसे एक ही दो दुकान पर आते हैं बैठते हैं जाते हैं, उससे आदमी लोगों का मन में बहुत अच्छा नहीं लगता। जो उनके करीबी लोग हैं उनके यहाँ ही वो बैठ के चले जाते हैं। जी जी आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई? जी नहीं नहीं अब वक्त भी नहीं बचा है, 25 मई को मतदान है। कोई बात नहीं है वो समय बताएगा उनका। वोट कहाँ जाएगा, युवा कहाँ है इस बार? अभी देखिए जो भी युवा है इस समय विकास के बात पे ही करेगा। केंद्र में किसकी सरकार देखेंगे युवा? केंद्र में तो मोदी जी ही रहेंगे, अभी तो मोदी जी हैं और मोदी जी ही रहेंगे केंद्र में। सिवान से किसे देखना चाहते हैं? अभी सिवान से देखिए आरजेडी और बीजेपी में ही टक्कर है,
निर्दलीय का कोई खेल नहीं बचेगा। निर्दलीय में है कुछ आदमी अपनी व्यक्तिगत छवि पर कुछ ला सकते हैं। चलिए तो सिवान लोकसभा क्षेत्र के हम लकड़ी बाजार पर हैं और लोगों से बातचीत कर रहे थे। हमारा खास कार्यक्रम जो है विकास की बात जनता के साथ, इसी के तहत अलग अलग गांव मोहल्ले कस्बे में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का मन टटोलना जो है कि मकसद है कि लोग आखिर किस मुद्दे पे इस बार मतदान करेंगे। देखिए 25 तारीख को 25 मई को मतदान होने वाला है और उससे पहले लगातार प्रत्याशियों का दौरा जो है वो जोरों शोर से चल रहा है। अब देखना होगा कि जो जनता है इस बार किसे सिवान से अपना सांसद बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए निकालिए ना वो वाला माइक। हुआ गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।